अऊज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उम्मीद करते हैं कि तमाम मवाद क्लियर होंगे। हम आप जी आपके लिए लेटेस्ट अपडेट लेके आए बाबूसर टॉप के बारे में। अब ये जो मेरे बैक साइड पे देख रहे हैं, ये आपको नज़र आ रहा है बाबूसर टॉप का, इस दफ़ा कितनी बर्फ़ पड़ी बाबूसर टॉप के ऊपर। और इन दिनों में बाबूसर टॉप के ऊपर जो रश है वो तकरीबन कम हो चुका है, क्योंकि आगे ईद भी आ रही है और इसके साथ साथ आगे जो बटर के मुकाम पर पुल का काम भी हो रहा है, इस वजह से काफ़ी टूरिस्ट हजरात मुतासर हो रहे हैं। और ये जो मैं जिसकी तरफ मैं इशारा कर रहा हूँ, आगे आप इस साइड पे एक झीले भी है जिस पे अगर कोई जाना चाहता है तो आप जा सकते हैं। इंशाल्लाह आने वाले दिनों में इसको खोल दिया जाएगा, फ़िलहाल ये बन है। इसके अलावा हम आपको दिखाते रहेंगे बाबूसर टॉप की आज के लेटेस्ट अपडेट और आज के जो हालात बाबूसर टॉप के ऊपर कितना रश है, तो आप ये जो खुद रश को देख के अंदाज़ा लगा सकते हैं कि बाबूसर टॉप में आने वाले दिनों में मसलन ईद में कैसा रश होगा और ईद के दिनों में रोड का क्या सूरत हाल है और बाकी जो आना जाते हैं मतलब बाबूसर टॉप के ऊपर ईद के दिनों में, तो वो बिल्कुल आ सकते हैं, रोड ओपन होगा इंशाल्लाह। बाकी जो भी आना चाहता है हम उनको वेलकम करते हैं। थैंक यू।